गुरु जी, प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए? क्यों? जैसे बर्फ ठंडी होती है। हाँ? क्यों? क्योंकि वो गिरती है ऊपर से बर्फ, पानी बनता है। ऐसी लहसुन प्याज निकलते हैं नीचे से, लहसुन निकल नीचे से निकलती है ना, और प्याज कहाँ से निकलती है? प्याज जमीन में से। हाँ, जैसे बर्फ ठंडी है, अब कोई पूछे क्यों ठंडी, भाई ठंडी है ऐसे ही है बेटा। भाई साहब, अगर हम कुछ बोलेंगे तो अनुभक्तों को लग जाएगा बुरा। लहसुन प्याज नीचे से निकलता है, और मूली होता है ना मूली, वो अनुभक्तों के पिछवाड़े से निकलता है। प्यारे अनुभक्तों, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बोला है? हाँ, कभी धनिया, कभी तेजपात, कभी लहसुन, कभी अदरक, कभी कुछ, कभी कुछ, हाँ, सबको मिक्स करके गू गोबर बना दे रहा है। तो भाई साहब, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और मेरे प्यारे अनुभक्तों, तुम लोग वीडियो में बने रहोगे या नहीं बने रहोगे? नहीं। तो तुम लोग जाओ आराम से, मुद कर सो जाना। तो खामो खा वीडियो देखोगे तो पिछवाड़े में लग जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं कि जाओ मुद मत के सो जाओ, नहीं तो वीडियो देखना है, सुधारना है तो देख सकते हो, नहीं तो अभी से स्किप करके जा सकते हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बात तो सही है। गाय का गोबर खाने वाले को समझाना बहुत भारी पड़ जाएगा भाई। क्या बात कर रहे हैं। तो चलिए, बात को ज्यादा नहीं घुमाएंगे, वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? नहीं कर रहा है, सबको सुता सुता को लेना चाहता है। अरे भाई साहब, मेरा कहने का मतलब है वो सबका बीमारी ठीक करने वाला है। तो भाई साहब, जो हमारे डॉक्टर साहब है ना, वो जो डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि डॉक्टर साहब, आप एक काम कीजिए, अपने डिग्री का पोलिता बनाइए और बाबा लोग के पिछवाड़ा में मालूम है क्या करना। अच्छा। अब आप लोग सोचते होंगे कि साला बाबा बनने में क्या खूबी है। देखिए, पैसा तो मिलेगा, भर पेट मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं। बाद में देखिए क्या क्या मिलता है। वही बाबा सूरजपाल जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, सुनिए आप लोग। सूरजपाल को देखने के बाद, इनका हुलिया देखने के बाद, किस एंगल से ये ढोंगी बाबा लग, हमको नहीं पता। बाबा के ऊपर ये भी आरोप लग रहा है कि बाबा के आश्रम में खूबसूरत लड़कियां जाती थी, ये बाबा खूबसूरत लड़कियों से मसाज करवाता था, ये बाबा अवैध जमीन कब्जा करता था, ये बाबा का वही आश्रम है जो 21 बीघे के अंदर फैला हुआ है, तीन तरफ से गेट है। इस बाबा को तमाम लोग ढोंगी पाखंडी बता रहे हैं, तमाम लोग ये भी कह रहे हैं इस बाबा का इलाज तबियत से होना। हाँ तो भाई साहब, ये वही बाबा है सूरजपाल जो मरा हुआ इंसान को भी जिंदा करता है। नहीं ये हो नहीं सकता। भाई साहब, इसके पंडाल में ना लाखों लाखों का भीड़ रहता था, लेकिन कुछ दिन पहले इसके पंडाल में 100 कुछ आदमी का मौत हो गया। वैसे ये बाबा जो है ना पोछटे बांध कर फरार है, इसलिए कहते हैं मेरे अनुभव, तो अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, नहीं तो अगले जन्म में भगवान तुम्हें सूअर बनाएगा। भाई साहब, जिसको जिसको बच्चा नहीं हो रहा है उसको ये वाला वीडियो जरूर दिखाइए आप लोग। अरे रहा, जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके, उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर, वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। स्त्री में कोई कमी रह जाए 1%, या पुरुष में कमी रह जाए 1%, शुक्राणु में कमी रह जाए, या स्त्री के गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम हो, तो जो गाय के गोबर के द्वारा गेहूं खवाने के बाद जो गोबर से वो गेहूं निकला, सुखा कर जो आटा बनाकर जो रोटी खाएंगे, उस रोटी में वो ताकत आ जाती है जो आपके शुक्राणुओं की भरपाई कर देता है, गर्भाशय को डैमेज है तो ठीक कर देता है, मतलब गाय आपके गर्भ की रक्षा करती है। नहीं नहीं, इस पे हम कुछ नहीं बोलेंगे भाई साहब, इस पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम दिखाएंगे। भाई साहब, आप लोग गलत मत सोच लीजिएगा, ठीक है, हम कमेंट बॉक्स दिखाएंगे कि बाबा जो ज्ञान वहाँ दे रहे हैं बैठ कर, तो उनके बारे में क्या क्या मैसेज है वही आप लोग को हम दिखाएंगे, तो जरा आप लोग देख लीजिए। महाराज जी, आपके दिमाग में यही गोबर भरा है, ये पक्का है। मुझे इस बाबा से ज़्यादा उन लोगों पर हंसी आती है, बेचारे लोग कितने प्यार से सुन रहे हैं। यह कैसा ज्ञान है, गाय के गोबर से संतान। मैं बाबा जी के तरफ से आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। भाई साहब, ऐसे ऐसे बाबा के कमेंट्स बनाने लगेंगे ना, तो आप लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के यही सब सुनना पसंद करेंगे। क्या बात कर रहे हैं। जब भी आप लोग वीडियो देखें ना, तो सबसे पहले कमेंट्स पढ़ें, क्योंकि कमेंट्स पढ़ने में बहुत मजा आता है, सब्जेक्ट अच्छा लगता है। इस तरह का जब भी आप लोग कोई वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट्स पढ़ें, ठीक है, और ऐसे ऐसे ढोंगी बाबा से सतर्क रहें आप लोग। ये जितने बाबा हैं, जितने धर्म के नाम पे आतंक बचा रखा है इन बाबाओं ने, डालो जेल में डालो, मैं बार बार कहता हूँ, इन आबा बाबाओं के पास कुछ नहीं मिलने वाला। पहले ज्ञान लो, पढ़ो लिखो समझो संविधान को, ज्ञान को, विज्ञान की उन्नति को समझो। अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बात देश तरक्की उससे करेगा पाखंड से नहीं है तो भला करते होंगे। अरे मानसिक रोगी बना रखा धर्म के नाम पे, अफीम चढ़ा रखी है इन्होंने, और लोग सोचते हैं पता नहीं क्या चमत्कार हो जाएगा। दाता बीबी पति पे विश्वास नहीं करती, बाबाओं पे कर लेती है। बेचारा पूरे दिन मेहनत करता, बाबा जाके विश्वास मरवा दिया, बाबा के पास ले जाके खुद भी मरी, पतियों को मरवा दिया। तो ऐसी अंधविश्वासी महिलाओं से सबसे ज्यादा अंधविश्वास महिलाओं व्याप्त है। करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, इन्हें बाबाओं का खात्मा करो, पाखंडियों को बैठाऊंगा, कोई काम नहीं धंधा नहीं। लोग मूर्ख बताते धर्म के नाम पे, कोई सनातन नहीं, सड़े तन वाले सड़े मन वाले हैं। धर्म को कोई जरूरत नहीं है, कोई को सिखाने वाला हो। धर्म है दया, दया करो, एक दूसरे की मदद करो। ये क्या मदद करता, क्या है कहने के सनातन धर्म का? पहले अपना इलाज कर ले, वो मेंटल हिले हुए बाबा, और एक वो बाबा तुम्हारा चेला बागेश्वर, इसका पिछवाड़ा लाल करो मार मार के ढंग से। क्या मिलेगा? नहीं कहीं तो मिलेगा। ये सब ढोंगी है, सब आतंकी है, ये देशद्रोही है, जो धर्म के नाम पे लोग मरवा रहे हैं। उनको नहीं जाना चाहिए, महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, बहनों और माताओं को ऐसे पाखंडियों से। चाहे बागेश्वर हो, चाहे वो अनुभागेश्वर, चाहे ये हो भोले बाबा, चाहे कोई और बाबा लाबा साबा, हमने आसाराम था उसे भी कराया हमने अंदर, तो ये सब पाखंडी है, इन पाखंडियों से बचो। अरे सर, ये लोग सुधरने वालों में से नहीं है, क्योंकि जब ये लोग गोबर खा लेता है ना, तो इन लोगों का दिमाग जो है ना काम करना बंद कर देता है। पता ना कौन सा गोबर में वायरस है। चलिए जरा ये भी देख लीजिए, मोहतरमा है जो कहती है कि हाथरस वाले बाबा को हम पति मानते हैं। बाबा अपने आश्रम में लोगों को चमत्कारी चाय पिलाता था, और ये भी बताया जा रहा है कि ये चमत्कारी चाय सिर्फ महिलाओं को पिलाया जाता था। सुंदर लड़कियां अंदर, बाकी सब बाहर। जितनी भी सुंदर लड़कियां होती थी बाबा के आश्रम में अंदर जाती थी, और बाकी तमाम लोग बाहर ढकेल। तो भाई साहब, आप लोग समझे आखिरकार बाबा सुंदर लड़कियों को अंदर क्यों बुलाता था? अच्छा, तो आप लोग बहुत समझदार हैं, चलिए समझ गए ना आखिर। चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए बताओ, चाय पीने के नुकसान क्या है? चाय में पत्ती होती है, चाय पत्ती, चाय पत्ती एक प्रकार की औषधि है। चाय पत्ती में जब आप दूध डालते हैं तो चाय पत्ती के संपर्क में जब दूध आता है तो दूध का गुण बदल जाता है, और बदल करके वो पॉइजन हो जाता है, जहर बन जाता है। इसलिए आप बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि रात में जाएंगे इडली सांभर खा लेंगे, खाने नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्या नाम है उसका? सांभर यानी साम और भर यानी ऐसी चीज, शाम तक तो खा लीजिए, रात में मत खाइए। अच्छा बताइए, नब्बे में ऐसा क्या जोड़ेंगे वो नब्बे प्रेम में पागल हो जाए? आप बताइए। नहीं पता? मैं बताता हूँ। नब्बे में दो बड़ी की मात्राएं जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? निभी। निभी यानी प्रेम में पागल, प्रेम में। हाय साहब, ये जो बाबा लोग है इस तरह से ज्ञान देगा, ऐसा ऐसा बात समझाएगा, तो आदमी कॉमेडी नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा? अभी तो कपिल शर्मा का शो बहुत आदमी कम ही देख रहा है, क्योंकि ये जो बाबा लोग का कॉमेडी जो है ना, ये पूरा छाया हुआ है। तो भाई साहब, हम कोई भी वीडियो क्रिएट करते हैं, कोई भी वीडियो बनाते हैं, तो हम सोचते हैं कि मेरे भाई जो भी भटके हुए हैं ये वीडियो देखकर वो रास्ते पे आ जाए, ठीक है? चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप लोग चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे हैं, फेसबुक